Hello friends, welcome to my YouTube channel Communication for Online and IT Success by Shehzadi. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. ऑनलाइन अर्निंग सक्सेस, नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस एंड आईटी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को यहाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल कम्प्लीट ट्रेनिंग स्टार्ट किया हुआ है. आज मैं आप लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट ट्रेनिंग की वीडियो 7 ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ. आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है हाउ टू सक्सेसफुल एंड मोटिवेट योर टीम, यानी कि हम किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं और किस तरह अपनी टीम को मोटिवेट और सक्सेसफुल बना सकते हैं. फ्रेंड्स, जब भी आप कोई मेंबर सेलेक्ट करें अपनी टीम के लिए, यानी कि कोई भी आपकी टीम का आपके नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा होता है, तो उस मेंबर को साथ साथ मोटिवेट भी करें, क्योंकि उसको अगर आप सक्सेसफुल बनाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा, तो आप भी सक्सेसफुल होंगे. आप उसको ये भी एग्जांपल दें, मेजर की टू योर बेटर फ्यूचर इज यू, यानी कि हमारे बेटर फ्यूचर के लिए जब तक हम खुद कुछ नहीं करते, कोई दूसरा बंदा कुछ भी नहीं करता. यानी कि जब तक हम खुद अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते, कोई प्लानिंग नहीं करते, तो कोई भी सेकंड पर्सन हमारे फ्यूचर को बेटर नहीं बना सकता. सो मेजर की टू योर बेटर फ्यूचर इज यू. नेटवर्क मार्केटिंग इज एन रिलेशनशिप बिजनेस, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक रिलेशनशिप बिजनेस है. अपनी टीम को मोटिवेट करें कि वो लोगों से घबराना छोड़ दें, ठीक है. यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ अगर उनका थोड़ा सा भी वो रिलेशन होता है, ठीक है, कोई बातचीत होती है, तो वो घबरा जाते हैं. तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हमने ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग का अगर हम हिस्सा बने हैं, तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना पड़ेगा. यानी कि हम इतने कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हम किसी को भी मोटिवेट कर सकें और कोई भी जो भी जिससे भी हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो हम उसको मोटिवेट करके अपनी टीम का, अपनी नेटवर्क का हिस्सा बनाने. तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लोगों से घबराना नहीं, ये ना हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कोई ऐसे बंदे, हमें बहुत सारे यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग, डिफरेंट माइंड्स के लोग हमें मिलते हैं. ये ना हो कि कोई हमें डीमोटिवेट करे और हम डीमोटिवेट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. बल्कि हम उस जो बंदा हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, हमारा कॉन्फिडेंस इतना हो कि हम उसको मोटिवेट कर लें और उसको अपनी टीम का मेंबर बना लें. मेक योर टीम स्ट्रांग इन कॉन्फिडेंस, यानी कि अपनी टीम को स्ट्रांग इन कॉन्फिडेंस बनाए. सबसे पहले आप खुद स्ट्रांग इन कॉन्फिडेंस बने और अपनी टीम को भी स्ट्रांग इन कॉन्फिडेंस बनाए, क्योंकि आपकी टीम कॉन्फिडेंस होगी, स्ट्रांग होगी, सक्सेसफुल होगी, तो आप भी सक्सेसफुल होंगे. अपनी टीम को डिफरेंट एग्जाम्पल्स दें. अगर आपके माइंड में कोई और डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो आप वो शेयर करके उनको मोटिवेट करें, उनको स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस बनाए, क्योंकि आपकी जो आपको अपनी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल खुद बिल्ड करना पड़ता है, तो वो आप करें. यहाँ पे अगर आप, मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो आर्ट्स की एग्जांपल दे सकती हूँ कि किस तरह एक कुछ आर्ट्स, मतलब ये टीम है, ठीक है, आर्ट्स की जब टीम मिलके अपने से ज़्यादा वेट उठाती हैं और अपने इस वेट को उठा के, यानी कि अपना गोल अचीव कर लेती हैं, अपनी सक्सेस हासिल कर लेती हैं, जबकि एक अकेली आर्ट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती. तो आप इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स देके अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं कि टीम वर्क में हमने किस तरह अपनी सक्सेस हासिल करनी है और किस तरह हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. आई कांट, अगर आपका कोई टीम मेंबर ये बोले कि आई कांट डू इट, यानी कि आप उसको कोई टारगेट दें, ठीक है, आप डिफरेंट टाइप के टारगेट दे सकते हैं कि आप अपनी टीम बिल्ड करो, मतलब इतने टाइम में बिल्ड करो, तो वो अगर बोले कि मैं नहीं कर सकता, तो आप उसके दिमाग से, उसके माइंड से ये बात निकाल दें कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए, नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन किए, तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं. तो अपनी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा कर लें, इतनी उनको स्ट्रांग टीम बना लें कि वो हर चीज़ के लिए ये बोल सकें कि आई कैन डू इट, यानी कि आई कांट का जो वर्ड है उनकी डिक्शनरी से निकल जाए. टेक अ गुड स्टार्ट फॉर सक्सेस, यानी कि अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको अच्छा स्टार्ट लेना पड़ता है. जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए,
आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, आप वो आपकी टीम का हिस्सा है, यानी कि आपके नेटवर्क का वो हिस्सा है, तो आपने उसको मोटिवेट करना है। अब उसने स्टार्ट तो ले लिया, अब आपने उसको इस तरह ट्रीट करना है कि वो अपनी सक्सेस भी हासिल कर ले। यानी कि आपने उसको बोलना है कि अब उसने स्टार्ट तो लिया है, अब उस पर वो प्लानिंग भी करे, उसको मतलब सोचे कि वो किस तरह सक्सेसफुल हो सकता है, उसको एनालिसिस करे, उसकी प्लानिंग करे, फिर कोशिश भी करे। ये ना हो कि अगर वो दरमियान में कहीं भी डीमोटिवेट होता है तो आपका काम है कि आप उसको दोबारा से मोटिवेट करें, यानी कोई भी बंदा उसको डीमोटिवेट ना कर सके। आप डू अगेन अगेन एंड कीप ऑन डूइंग। जब आप करते हैं तो आप सक्सेस जरूर हासिल कर लें। यानी कि कोई भी चीज़ हमें ऐसा नहीं होता कि हमने एक दफ़ा की तो हमें सक्सेस मिलेगी, नहीं, हम बार बार गिरते हैं और बार बार खड़े होते हैं, तो तभी हमें सक्सेस मिलती है। अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आप ये एग्जाम्पल अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए भी दे सकते हैं, तो मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ तो मैंगो ट्री की दे सकती हूँ। कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी फ्रूट का हम लोग दरख्त लगाते हैं, ठीक है, यानी कि एक ट्री लगाने जा रहे हैं, तो आज अगर हमने उसको सीड लगाया, ठीक है, तो क्या हम ये उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि कल वो हमें फ्रूट देगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर आज हमने सीड लगाया है, हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कल हमें फ्रूट मिलेगा, और यकीनन ज़रूर मिलेगा। तो हम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग को भी इसकी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक मैंगो ट्री जिसको आज हम लगाते हैं, यानी कि उसका सीड लगाते हैं, उस पर 5 ईयर मेहनत करते हैं, 4 to 5 ईयर आपने उसमें मेहनत की, आपको पता है आज आपकी ये 4 to 5 ईयर की मेहनत, आपकी स्ट्रगल आपको नेक्स्ट 200 ईयर्स के लिए प्रॉफिट देगी। यानी कि मैंगो ट्री जो है वो 200 ईयर्स के लिए आपको फ्रूट देता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी तरह है कि आज आपने उस पर मेहनत की, उस पर थोड़ी सी स्ट्रगल की, उस पर अपनी प्लानिंग की, अपने ट्राइज किए, तो अपना एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया, तो वो आपको आपके फ्यूचर के लिए, यानी कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान क्रिएट हो जाए, आपके फ्यूचर के एक अच्छा बिजनेस होता है जो कि आपको प्रॉफिट देता है, यानी कि आप अपनी बहुत अच्छा एसेट रेडी कर लेते हैं। एंड शुगर केन, शुगर केन की एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि अगर आज हम शुगर का के मतलब शुगर केन लगाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि हमने 6 मंथ इस पे मेहनत करनी है, उसके बाद हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगले 6 मंथ दोबारा इस पे मेहनत करेंगे तो तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमने ये मैंगोस की एग्जाम्पल दे के अपनी टीम को मोटिवेट करना है कि आज हम मेहनत करेंगे तो हम हमेशा के लिए अपनी सक्सेस अचीव कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग टीम अचीव मोर। आप अपनी टीम को मोटिवेट करें कि जब हम टीम में होते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो हम ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। टुगेदर एवरी वन अचीव मोर। यानी कि जब हम एक टीम मेंबर्स बहुत सारी, जब एक अच्छी टीम बिल्ड हो जाती है, तो हम एक मतलब अपने गोल्स को ज़्यादा अचीव कर लेते हैं और जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। योर टीम ऑलवेज विद यू। अपने टीम को मोटिवेट करें कि जो आप अपनी टीम को इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि उनके जो अपलाइनर्स होते हैं वो हमेशा उनको मोटिवेट करेंगे। यानी कि अगर आप वो आपकी नेटवर्क का हिस्सा बने हैं, तो आप उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। योर अपलाइनर और सीनियर ऑलवेज हेल्प यू एंड ट्रेन यू। आपको कोई भी मुश्किल आती है, ठीक है, कोई भी प्लान को समझने में, अगर आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है उसको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके सीनियर्स, आपके अपलाइनर्स आपको हमेशा हेल्प आउट करेंगे और आपको ट्रेन करेंगे। योर सीनियर ऑलवेज गाइड यू डेट हाउ यू सिलेक्ट योर टीम मेंबर्स। अगर आपको अपनी टीम बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, यानी कि वो आपको डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ भी देंगे कि आप इस तरह अपनी टीम मेंबर्स, अपनी टीम बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें हमारे अपलाइनर्स, हमारे सीनियर्स हमारे हर पॉइंट पे हमें गाइड करते हैं, हमें ट्रेन करते हैं और हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम बाकी बिजनेस में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे हमें अकेले रह के सब कुछ करना पड़ता है। योर टीम मेंबर्स ट्रेन यू डैट हाउ टू टेक अ स्टार्ट इन दिस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। आप अपनी जो टीम है, ठीक है, आपका जो नेटवर्क बन रहा है,
आप उनको मोटिवेट करें कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं या जब भी आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो आपकी जो टीम होती है यानी कि आपके अपलाइनर्स, आपके सीनियर्स, आपको हमेशा ट्रेन करते हैं कि आप किस तरह स्टार्ट लें और किस तरह इसमें सक्सेसफुल हों, क्योंकि टीम की सक्सेस में ही हमारी सक्सेस होती है। अगर हम हमारी टीम सक्सेसफुल है तो हम खुद भी सक्सेसफुल हैं। मोटिवेट देम फॉर यस आई कैन डू। आप अपनी टीम को मोटिवेट करें कि वो जो काम आप उनको बोलें, जो भी टारगेट आप उनको दें, तो वो एकदम से बोलें यस आई कैन डू, यानी कि वो आई कांट वाला जो वर्ड है वो उनकी डिक्शनरी से ख़त्म कर दें हमेशा के लिए, और यस आई कैन डू वाला जो वर्ड है वो उनकी डिक्शनरी में हमेशा के लिए सेव कर लें, कि कोई भी उनको डीमोटिवेट ना कर सके, बल्कि वो इजीली बोल सके यस आई कैन डू इट। मतलब वो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी टारगेट को अचीव करने के लिए, अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी टीम का कोई भी मेंबर अच्छा काम करे, अपनी प्रोग्रेस शो करे, यानी कि आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपना नेटवर्क भी बिल्ड कर रहा है, तो आप उनको अच्छे वर्ड्स दें, यानी कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, वेल डन, हैप्पीनेस इज वर्किंग विद अ ग्रेट पीपल, यानी कि ये अच्छे वर्ड्स उनको और मोटिवेट करते हैं, यानी कि उनको खुशी दिलाते हैं कि हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। आप उनको बोलें कि हमें बहुत खुशी होती है कि आप जैसे, मतलब आप लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाए, आप लोग हमारी टीम के मेंबर्स हैं, आपके साथ काम करके हमें बहुत खुशी हो रही है। तो ये कुछ अच्छे वर्ड्स होते हैं जो भी आपको भी अच्छे लगे, इसके अलावा आप उनको बोल के मोटिवेट कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टीम वर्क। अपनी टीम के, मतलब आपका जो डाउन लाइनर है, आप उसके माइंड में ये बात डालें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टीम वर्क, कि टीम वर्क में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर एक बंदा, एक मेंबर को अगर कोई आइडिया पसंद नहीं आता, यानी उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं आता, तो जो उसके बाकी टीम मेंबर्स होंगे उनमें से कोई एक आपको आइडिया देगा, यानी कि डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलती है, तो हर बंदे के पास डिफरेंट नॉलेज होती है, तो इसलिए टीम वर्क में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। यानी कि अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करना, अपने बेटर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में आप कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, यानी कि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं टीम वर्क में। पार्टिसिपेट इन वर्क, न्यू प्लानिंग, बी पॉजिटिव एंड लर्न, यानी कि अपने टीम्स को, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, आप उनको पार्टिसिपेट करवाएं वर्क में। आप उनसे पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी न्यू प्लानिंग्स जानने की कोशिश करें कि वो अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए क्या प्लान करें। उनका हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो उनने क्या सीखा है। आप उनसे पूछें कि उन्हें व्हाट विल यू अचीव टुडे, उन्हें आज क्या अचीव किया है। अगर उन्होंने आपको ज्वाइन किया, आपकी टीम मेंबर बने, आपकी नेटवर्क का हिस्सा बने, तो वो आगे क्या प्रोग्रेस शो कर रहे हैं आपको। तो ये आपका काम है कि अपनी टीम को मोटिवेट करें साथ साथ, और उनको भी सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा पॉजिटिव रहें, यानी कि नेगेटिव वाली चीज़ अपनी लाइफ से निकाल दें। ट्यून्ड, अपनी जो टीम है उसको ट्यून करें। उसके लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि जैसे नंबर ए, सिंसियर विथ योर बिजनेस, यानी कि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, तो अब वो अपने बिजनेस के साथ सिंसियर हो जाए। यानी कि ये कोई मजाक का काम नहीं है कि आपने आज किया कल ना किया, ऐसा नहीं, आपने उस पर मेहनत करनी है, क्योंकि आज मेहनत करेंगे तो कल आप इसका फ्रूट लेंगे, यानी कि आपको इसकी, आप सक्सेसफुल होंगे, तो इसलिए अपने बिजनेस के साथ सिंसियर हो जाएं। नेवर गिव एक्सक्यूज, अपने नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी एक्सक्यूज़ ना दें किसी को कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास, मतलब बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ये नहीं था। नहीं, आपको जो टारगेट दिया गया आप उसको अचीव करें, आपको जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए आप करें, बजाय इसके कि आप एक्सक्यूजेस देने लग जाएं। सी, इग्नोर बैड वर्ड्स ऑफ पीपल, यानी कि अगर आपको कोई कुछ बुरा भला कहते हैं आप उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अच्छे वर्ड्स भी पॉजिटिव रहना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को आपने इग्नोर करना पड़ता है। अगर आपको कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश करे आप उसको इग्नोर कर दें, बल्कि आप उल्टा उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, और आप जब उसको इग्नोर करेंगे तो वो जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं वो बंदा आपके पास खुद आएगा और आपकी नेटवर्क का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। ऑलवेज मीट पीपल विथ हैप्पी फेसेस, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप
किसी भी मेंबर से मिले, किसी भी पर्सन से आप मिलते हैं, यानी कि उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, तो उसके उसके साथ हैप्पी फेस से मिलें। आप अपनी टीम को ये भी मोटिवेट करें कि उन्हें हमेशा हैप्पी फेस यानी कि स्माइली फेसेस के साथ लोगों के साथ मिलना है, ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, और एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। टॉलरेंस, सब्र, बर्दाश्त होनी चाहिए। इंक्रीज योर वैल्यू अमंग पीपल्स, और अपनी वैल्यू जो है लोगों के दरमियान बढ़ाएं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लेकिन आप अच्छे वर्ड्स यूज करके अच्छी यानी आपका गुड बिहेवियर आपकी वैल्यू लोगों के दरमियान बढ़ाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि आप किस तरह अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह खुद भी मोटिवेट हो के सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप जब अपनी टीम को सक्सेसफुल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। दैट्स ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे को चैनल क्वाइट्स फॉर यू को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ।